जागती नजरों से देखिए तो यहाँ बीमार, पागल, अपाहिज, भिखारी सभी बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे ये बच्चे पैदा होकर मूर्ति के किस काम आएंगे सिवाय भीड़ बनने के? ये बच्चे पैदा होकर बीमारी, बेकारी और भुखमरी के सिवा कुछ नहीं दे सकते। आगे चलकर ये बीमार नस्ल शक्तिहीन मजदूरों में तब्दील हो जाएगी। ओ देशवासियों, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि हमने मलबा ढोने वाले मजदूर बहुत पैदा कर लिए, अब कुछ आइंस्टाइन भी तो पैदा कर ले। मैं लगातार बोलता गया लेकिन किसी ने सुना नहीं। सही कहने वालों को अनसुना करना तो इस मुल्क का बड़ा पुराना रिवाज है। यहाँ के लोगों ने राम, कृष्ण, गुरु नानक और महावीर जैसे बुद्ध पुरुषों को नहीं सुना तो इस असमंजस बाबू की हैसियत ही क्या है? सही बातों की यहाँ ढंग से मार्केटिंग नहीं हो पाती और फिजूल बातें बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की जाती है। वजह है संगठन की ताकत। अच्छे आदमी यहाँ अकेले हैं और बुरे आदमी संगठित, इसीलिए और सिर्फ इसीलिए जीसस को सूली पर लटकना पड़ा, हुसैन को गर्दन कटानी पड़ी और सुकरात को जहर पीना पड़ा। कोई ज्ञानी आदमी बोलने की कोशिश करता है तो लोग जान बचाकर भागते हैं और कोई नेता बकवास सुनाने आता है तो हजारों की तादाद में लोग सुनने इकट्ठा हो जाते हैं। क्या बदतमीजी है? तो आपके ये असमंजस बाबू चाहते थे कि ये समाज सुधर जाए और ये समाज चाहता था कि असमंजस बाबू सुधर जाए। बड़े लंबे समय तक ये रस्सा कसी चलती रही, चलती रही, चलती रही। धीरे धीरे मैं समाज से और समाज मुझसे दूर जाने लगा। मुझे समाज का हर आदमी पागल नजर आने लगा, जो अनाप शनाप पके जा रहा था, उल्टे सीधे नियम बना रहा था, ऊल जरूर वक्तव्य दिए जा रहा था। अब इस बात को ही लीजिए और बताइए कि इसे आप बेवकूफी की किस श्रेणी में रखेंगे कि यहाँ गुलशन नंदा का उपन्यास तो हिंदू और मुसलमान सभी पढ़ सकते हैं लेकिन गीता सिर्फ हिंदू पढ़ेगा, कुरान सिर्फ मुसलमान पढ़ेंगे। इतने सालों से मुस्लिम युवक को गीता के ज्ञान से वंचित रखा, हिंदू नौजवानों को कुरान की अच्छाइयों से महरूम रखा गया। अब इस नुकसान की भरपाई कौन मौलवी या पंडित करेगा? क्या इन पर क्षतिपूर्ति का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? अरे सरकार को तो चाहिए कि सरकार सा रा का रा सरकार शब्दकोश का सबसे पाखंडी शब्द, सबसे हरामी अल्फाज। अरे सरकार मौलवी और पंडितों पर क्या रोक लगाएगी? उसने तो खुद हिंदू कोड और मुस्लिम कोड बना रखा है। ये हिंदू कोड है भैया, मुसलमानों पर लागू नहीं होगा, और ये मुस्लिम कोड है, हिंदुओं पर लागू नहीं होगा। अरे भाई मैं कहता हूँ कि यदि कानून में अच्छाई है तो सभी पर लागू हो और यदि खराबी है तो किसी पर भी क्यों लागू हो? हिंदू और मुसलमान, लोग इसे धर्म कहते हैं, मैं कहता था ये मृत चट्टाने। सच्ची धार्मिकता को मंदिरों, मस्जिदों, ग्रंथों और पोपों की जरूरत नहीं होती। इंसान ने अपने आप को धोखा देने के लिए हजारों तरकीबें ईजाद कर दी, उन्हीं तरकीबों को धर्म बोलते हैं। अच्छा, मेरी मौलवी और पंडितों से कभी नहीं पटी। पंडित जी हमेशा मेरे से नाराज रहते थे क्योंकि मैं खुले आम कहता था। अरे बनाई होगी दुनिया ईश्वर ने, लेकिन इसे चला तो शैतान रहा है।
ये तो अच्छा है कि ईश्वर को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, यदि उसे देखा जा सकता तो कब की उसकी हत्या कर दी गई होती। और मौलवी साहब, या अल्लाह, मेरे को देखते ही लाहौल पड़ने लगते। बात दरअसल ये थी कि जिन दिनों मैं मुस्लिम बस्ती में रहा करता था, खुदा की कसम मोहल्ले के लड़कों से बहुत परेशान था। जब देखो एक दिन मैंने कलीमुद्दीन को तो रोककर कुछ नहीं लिया। अरे भाई, ऐसी कौन सी आफत आ गई है कि नंगी तलवार लिए भागे जा रहे? कलीमुद्दीन बोला, ये वक्त बहस करने का नहीं है बल्कि जिहाद करने का है। इस्लाम खतरे में है, मुसीबत में है। मैंने कहा, क्यों भैया हैं यार, ये तुम्हारा ऐसा कैसा मजहब है जो हर चौथे दिन मुसीबत में आ जाता है? अरे ऐसे कमजोर मजहब को तो दूर पे ही सलाम कर। अरे पगले हैं, मजहब आदमी को संभालता है, आदमी मजहब को नहीं। अब उसी दिन की बात है, एक है क्या तो नाम है उसका, हाँ सलीम घुटना, नंगी तलवार दिए बड़बड़ा रहा था, अरे भाई ऐसी कौन सी कयामत आ गई है कि बात एकदम से आर पार किया गई, किसे से ना नहीं छोड़ोगे? वो तलवार लहराकर कहने लगा, अरे उस हिंदू लौंडे की हिम्मत तो देखो, अब बशीर भाई की मुर्गी को कहां से कुचल दिया। अरे आज आज दिखा दूंगा कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे शांत कराया, समझाया और सीधे मौलवी साहब के पास में चल गया और उनसे अर्ज किया, मोहतरम इस नौजवान को समझाइए, ये एक मुर्गी की खातिर इंसान की जान लेने पर आमादा है, अब क्या मुर्गी इतनी कीमती हो गई और आदमी इतना सस्ता? और आज अचानक मुर्गी पर इतना प्यार क्यों बढ़ाया है? वरना कल तक तो खुद उसे फ्राई करके खाता था। मौलवी साहब ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूँ ना, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अरे भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम एक सच्चे मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो। मौलवी साहब की बात सुनकर मैं तो कांप गया। मैंने कहा, अरे मौलवी साहब ये आप क्या दुआ दे रहे हैं? अगर अगर कच्चा मुसलमान इतना खतरनाक होता है तो पक्का कैसा होगा? ये तो मौलवी साहब थे जो मेरे को देखकर लाहौल पड़ने लगते, लेकिन कम से कम मेरी तरफ देखते तो थे। लेकिन पंडित जी वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, मुझे आता देख अपना रास्ता ही बदल लेते। जाना होता था बेटे के घर तो चले जाते थे बेटी के घर, लेकिन मेरा चेहरा नहीं देखते। अब मेरी और पंडित जी के न पटने की वजह भी कोई वजह थी? बात दरअसल ये थी कि पंडित जी अपने धर्म को अपनी नजर से देखते थे। यहाँ तक तो ठीक था, समाज को तकलीफ ये पैदा हो गई कि उनके इस धर्म को मैं अपनी नजर से देखने लगा था। अब मुझे किसी के हिंदू होने या मुसलमान होने पर कोई एतराज नहीं है, मुझे एतराज है वेशभूषा पर, ड्रेस पर, यूनिफॉर्म पर। भाई आप अपने हिंदुत्व को, अपने इस्लाम को सड़कों पर क्यों प्रकट करते हो? आपका हिंदुत्व तो आपके हृदय में होना चाहिए, आपका इस्लाम आपकी रूह में बसना चाहिए, लेकिन बाजार
दफ्तर और बागीचों में आपको सिर्फ एक नागरिक नजर आना चाहिए। अपने देश के विभाजन की इसके एक हिस्से के अलग होकर पाकिस्तान बन जाने के जो भी बहुत से कारण हैं, मेरे ख्याल से उनमें से एक कारण वेशभूषा भी था, क्योंकि जिन्ना उतने मुसलमान नहीं दिखते थे जितना कि गांधी जी हिंदू नजर आते थे। बस मेरा ऐसा बोलना ही मेरे लिए श्राप साबित होगा। समाज में रहने के लिए झूठ बोलना जरूरी है। झूठ की ये सच्चाई भाई मेरी समझ में तो नहीं आई। मैं सच बोलकर पिछड़ गया और दूसरे झूठ बोलकर ऊंचाइयों में पहुंच गए। ये जमाना तो ऐसे हो गया था जैसे सोच की कंघी का हर कांटा टूट गया, जैसे समझ के कुर्ते का एक चिथड़ा उड़ गया, जैसे आस्था की आंख में एक दिन का चुभ गया, जैसे विश्वास के कागज पर स्याही गिर गई, जैसे इश्क की जुबान पर एक छारा उठाया, जैसे इतिहास की अंगूठी से नीलम गिर गया। लगता था मुल्क के अच्छे वक्त को इबलीस ने निगल लिया है। मेरा कृषि प्रधान देश गंगा प्रधान देश हो गया है। हर साल मजहबी दंगे समय समय पर मनाए जाने लगे हैं। हर साल यहाँ दंगे होते हैं, एकता समिति गठित होती है, शांति की अपील की जाती है और फिर बड़े पैमाने पर गुंडों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन दंगे बंद नहीं होते और इन गुंडों को पकड़ने से ये दंगे बंद होंगे भी नहीं। अगर इन दंगों पर रोक लगानी है तो इन गुंडों को नहीं महात्माओं को पकड़ो, महात्माओं को। लेकिन वही मेरे बोलने से क्या होता है? मेरे बोलने को तो लोगों ने बकवास कहा। मैंने जुल्म के विरोध में अपने अल्फाज बुलंद किए तो उन्होंने जालिम के समर्थन में कानों में रुई ठूस दी। हर सभा समिति ने मेरा बहिष्कार कर दिया। घोषित कर दिया गया कि यह शख्स पूरी तरह से नक्का है। जमाने ने मुझे पूरी तरह से खारिज कर दिया। मैंने जिंदगी से इश्क किया था पर जिंदगी एक वेश्या की तरह मेरे इश्क पर हंसती रही और मैं उदास एक नामुराद आशिक सोचों में घूमता रहा। पर जब इस वेश्या की हंसी को मैंने कागज पर उतारा तो हर अक्षर के गले से एक चीख निकली, एक दर्द उठा, एक दर्द जिसे चुपचाप मैंने सिगरेट की तरह पिया। सिर्फ कुछ नज़में हैं जो सिगरेट से मैंने राख की तरह छाड़ी है। उपेक्षा के धक्के ने मुझे गुमनाम के अंधेरे में ढकेल दिया था। बौनों के हाथ में शहर का निजाम था। ऊंचा कर दिए जाता तो जाता कहां मैं? जिंदगी के इस मुकाम पर अचानक महसूस हुआ कि यहाँ सुनने वाला कौन है जो मैं इतना बोलता हूँ। राम कृष्ण गुरु नानक जैसी हस्तियों ने कितना बोला लेकिन लोगों ने उनकी नहीं सुनी और ये दुनिया लगातार बद से बदतर होती जा रही। तो फिर ऐसे देश में मेरा बोलना क्या मायने रखता है जहाँ ना राजाओं के कान थे ना प्रजा की आवाज थी, जहां अस्पताल के दरवाजे पर हक सच्चाई ईमान और कद्र जाने कितने ही लफ्ज बीमार पड़े कहते हैं, यहां व्यंग मत बोलो, काटता है जूता तो क्या हुआ, पैर में ना सही सिर पर रख डोलो, पर व्यंग मत बोलो, अंधों का साथ हो जाए तो खुद भी आंखें बंद कर लो, जैसे सब टटोलते हैं राह तुम भी टटोलो। क्या रखा है कुरेदने में हर एक का चक्रव्यूह भेदने में, सच्चाई के लिए बिना
संबंध टूटा बच जाए लड़ने से बेहतर है जैसी दुनिया है उसके साथ बोलो पर व्यंग मत बोलो। कहते हैं जब बुरा समय आता है तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मजबूत इरादे वाले भी बहक जाते हैं, विरास का दरवाजा मृत आंखों की तरह खुला रहता है। तो आपके इस असमंजस बाबू का बुरा समय भी अपने पूरे शबाब पर था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।